गुड मॉर्निंग। तो कल रात फर्स्ट डे, फर्स्ट नहीं वैसे तो बोल सकते हैं सेकंड डे था, तो लेकिन हमने आपको गुड बाय नहीं बोला था, वो तो फिर वीडियो में कुछ कर देंगे। लेकिन आज है दूसरा दिन और आज हम जाने वाले हैं राजमाची फोर्ट पे ट्रैक करने के लिए। और अभी कितने बजे हैं, एक मिनट, अभी बजे है 9:45। 9:45 से ये पीछे हमारी होटल है चंद्रलोक, वहाँ से निकलते हैं और जाएंगे सीधे। यहाँ से आई थिंक 1-3 किलोमीटर पे है और वहाँ से आगे जो डेला एडवेंचर पार्क है, जो रिसोर्ट है, वहाँ पे पहले जाएंगे। आगे के रास्ते का पहले मुआयना करेंगे भाई कैसा है, जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो फिर गाड़ी वहीं पे छोड़ें, पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं है, वहाँ जाते हैं और आपको बता दें। क्योंकि सुना है हमने कि वहाँ का रास्ता जो है 3-4 किलोमीटर का, वो बहुत ख़राब है और स्पेशल मानसून में तो बहुत ही ख़राब हो जाता है, तो पता नहीं, देखते हैं। और ये आ गई हमारी गाड़ी बगीरा, जो उसको मैं बुलाता हूँ, लेते हैं उसको और निकल लेते हैं। तो भैयो ये ऑफ रोडिंग आप देख सकते हो, हम जा रहे हैं अभी राजमाची फोर्ट ट्रैक करने के लिए। और उसके लिए पहले जाना पड़ेगा उदयवाड़ी विलेज, जो कि उसका बेस विलेज है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। और आप ये रास्ता देख लो भाई, तो अभी तो बढ़िया है लेकिन आप ये रास्ते देख लेना अगर खुद की गाड़ी लेके आओ तो, और नज़ारे तो भाई एक नंबर है। और जब मॉनसून में आप चलाओ ना तो बीच में चलाना, क्योंकि स्लाइड होके आप कब नीचे चले जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर दिन खराब है हमारा तो स्लाइड भी हो सकता है, ऐसा है। The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. देखो भाई क्या रास्ता है, और ये एक और वाटर क्रॉसिंग, बहुत ही डेंजरस है लेकिन बढ़िया तरीके से निकाल दी वहाँ पे अमन ने। भाई तू मेरे साथ रह के गाड़ी बढ़िया चलाने लगा है। अच्छा भाई रास्ते बहुत बढ़िया है भाई, जंगल में से हमने सोचा भी नहीं था हम इतने अच्छे रास्ते से जंगल में से कभी गाड़ी चलाएंगे, लेकिन यार देखो ऑफ रोडिंग का बाप है बाप। बहुत ही बढ़िया भाई, अभी तो ट्रैक शुरू भी नहीं किया हमने। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा तो रास्तों की खूबसूरत होते हैं, तो आज हमने वो फील किया है। भाई ऐसा एडवेंचर हम लोगों को तो बहुत पसंद है, जिसको नहीं है वो प्लीज यहाँ मत आइए, क्योंकि ये वीडियो में आपको जो देखने में इजी लग रहा होगा, असल में वो इजी है नहीं। लेकिन हम तो ऐसा सब करने के लिए तो आए हैं। भाई ये देख लो, दो रास्ते हैं, एक जा रहा है और कोई रास्ता, और एक ये जो नीचे जा रहा है वहीं पे जाना है उदयवाड़ी विलेज के लिए, जहाँ से राजमाची फोर्ट का ट्रैक स्टार्ट होगा। तो हम नीचे की ओर अभी स्टार्ट कर दिया है, जाने वाले हैं। अभी देखते हैं कहाँ तक गाड़ी ले जा सकेंगे, क्योंकि आगे दो गाड़ियाँ भी रुकी हुई है, आमने सामने आ गई गाड़ी, ऐसा है भाई। यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे पीपी कर लो अब तक।
सुसु करना है भाई, सुसु कर लो यहाँ पे खड़े रह के। तो गाइस हमने यहाँ पे हमारी गाड़ी रख दी है क्योंकि आगे रास्ता बंद है, और ये दो रास्ते हैं, जो मेरे पीछे ये वाला है नीचे जाना, वहाँ पे उदयवाड़ी विलेज है। नहीं, वो राजमाची है। अरे भाई लेकिन बेस तो यहाँ पे ही है उदयवाड़ी, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में ऐसा लिखा हुआ है कि आप राइट जाओगे सीधा तो उदयवाड़ी विलेज जाओगे और लेफ्ट में राजमाची है। दोनों साइड से उदयवाड़ी आएगा। अभी आगे आपको दिखाता हूँ मैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है यहाँ से। लेकिन ट्रैक पे जाना है तो आप जब आओगे तो आपको लेफ्ट लेफ्ट पड़ेगा ये रास्ता, तो वहाँ से जाना है। हमने शुरू कर दिया है हमारा ट्रैक, देखते कितनी मजा आता है यहाँ पर। तो गाइस ये प्लेस तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा फॉग है, ये देखो वहाँ पर, तो उस वजह से हमें नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप फॉग नहीं है तो आप जा सकते हो, देख सकते हो, बढ़िया है ये व्यू। यहाँ पे हमारा भारद्वाज फोटो खिंचवाते हुए, ये हर्ष उनका फोटो खींचते हुए। तो गाइस आप यहाँ पे देखो इतना खूबसूरत व्यू और इतने खूबसूरत रास्ते, और ये जो फॉग है वो उसकी खूबसूरती को दुगना कर देता है। यहाँ पे हमारे दोस्त भरपूर आनंद लेते हुए, मज़ा लेते हुए यहाँ पर, यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा बन रहा है। आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि डेंजर है थोड़ा सा वहाँ पर, और आगे अभी तो बहुत जाना है, 3 किलोमीटर और चलना है। और यहाँ पे ये रास्ते भी क्या बताऊँ मैं आपको, अगर सीधा रास्ता रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते और पूरे गीले रास्ते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पैर है ना वो अंदर चले जाते हैं और चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन हो रही है ज़रूर। विजय कैसा है भाई तेरे को? बढ़िया है, स्पोर्ट्स ट्रैकिंग शूज हो तो बहुत अच्छा, ट्रैकिंग शूज अच्छा रहता है यहाँ पर। देखो यहाँ से कोई आया अभी बाइक लेके, देखो गाड़ी का इन लोगों ने बंद कर दिया है, वरना गाड़ी पक जाती है। गाड़ी अगर बड़ी हो तो ही लाना है, वो देखो यहाँ पर इनको भी बहुत परेशानी होती है। तो गाइस रास्ते में एक छोटी सी होटल जैसा है ये, बढ़िया के बढ़िया व्यू के साथ में, और यहाँ पे हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, देखते क्या क्या मंगवाया है भाई। क्या मंगाया? 4 चाय बोली है और 1 मैगी और 2 पोहे। आया मैगी आ गई भाई 2 मिनट में तैयार होके, पहले कुछ भी हर्ष ने मंगवाई थी मैगी। हम खाने का भी आनंद लेते हैं, आप वीडियो में बने रहे। और ये हमारा फेवरेट और हेल्दी नाश्ता पोहे। पोहे कैसा है भाई विजल? बहुत बढ़िया भाई। भरद्वाज खाया तूने? मजा आ जाएगा। अभी चाय भी आ रही है। आप वहाँ से आओगे तो यहाँ से सीधा नहीं जाना है, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है राजमाची के लिए। और भाई ये कौन सा गांव है? उदयवाड़ी। नीचे क्या बोला था तू? अरे वहाँ पे लिखा था, वहाँ पे उदयवाड़ी है। उदयवाड़ी यहीं पे है। नहीं हो जाता है तो अब यहाँ से राजमाची का ट्रैक स्टार्ट होगा, देखते अभी आगे क्या होता है, वीडियो में बने रहे।
Fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we ये गुफा है शायद पुराने टाइम में यहाँ पे पानी सेव करने के लिए स्टोरेज के लिए बना होगा पता नहीं है लेकिन क्लीन था शायद दीप जलाते होंगे भगवान के लिए ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि वो सेफ है उनका पता नहीं वो उस जमाने में क्या होता होगा और कितनी बढ़िया जगह होगी ये अभी से पहले और यार अभी भी कितनी अभी भी बहुत ही बढ़िया है भाई पूरे हम लोग बादलों के बीच में है हाँ। ये जो आप देख रहे हैं वो फॉग नहीं है वो एक्चुअली में बादल है वो क्लाउड है ये क्लाउड सभी क्लाउड है और हम उसके बीच में है और हम लोग तो एडवेंचर लवर है घूमेंगे लेकिन एक्सपीरियंस करना हो आपको तो आपको खुद आना पड़ेगा भाई बहुत ही बढ़िया है अभी देखते हैं राज माची जाके जल्दी आ जाते हैं तो फिर मनोरंजन की ओर भी जाएंगे देखते हैं टाइम और सब कुछ क्योंकि हमको गाड़ी हमने आपको जो भी स्टार्टिंग पॉइंट अभी नीचे बताया था वहीं तक गाड़ी आती है लेकिन आज बारिश की वजह से रास्ते में दो तीन जगह लैंडस्लाइड हुआ है उस वजह से गाड़ी ऊपर नहीं आई और टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया हम लोगों को पाँच किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा है इसी वजह से देखते अभी क्या होता है आपको बताएंगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और मस्त अगर आपकी थोड़ी बड़ी गाड़ी हो तो वही लेके आओ मैं छोटी गाड़ी यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि यार बहुत एडवेंचर वाला रास्ता है वो क्यों भाई भारत में क्योंकि हम चल के ज़्यादा हो जाएगा बारिश में बहुत ज़्यादा रहेगा तो आप अवॉइड करो तो यहाँ से सीढ़ियाँ चालू हो जाती है राजमाची के जाने के लिए और प्रॉपर तरीके से रास्ता है यहाँ बहुत बढ़िया है ये यहाँ से खाई एकदम नज़दीक है सो आप जब भी ऊपर आओ तो बहुत ध्यान से आना और अभी यहाँ से खतरनाक रास्ता शुरू हो रहा है ये भी मेरे लिए भी एक एडवेंचर जैसा है क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा है और मुझे संभल कर जाना है सो गाइस आपके लिए हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं वीडियो दिखाने के लिए तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक तो बनती ही है
guys come one in a dozen. The other 11. दोस्तों हम राजमाची फोर्ट के बिल्कुल टॉप पे है अभी, ट्रैक कंप्लीट कर दिया है। और कहाँ से? पुणे से। पुणे वाले भी कुछ भाइयों आए हैं हमारे साथ और सबने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। और आप हमारे पीछे देखो, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, लेकिन अभी फॉग की वजह से कुछ नहीं। और हम सब ने यहाँ पे सबमिट कर दिया है ट्रैक। ये तुमसे हमसे नाता कर, जय जिंदाबादी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। तो राजमाची का ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है, ऊपर जाके आए हैं अभी। और जहाँ पे हमने लास्ट आपको एंट्री पॉइंट दिखाया था, वहीं पे वापस आ गए हैं। और मैं ये ट्रैक को मीडियम बोलूँगा, मीडियम नहीं, इजी है। इजी वो इजी से, हाँ इजी से थोड़ा ज़्यादा, हाँ तो मीडियम। बीच में जो एक पैच आता है ना, स्पेशली मानसून में, वो बहुत हार्ड लगेगा आपको जो फर्स्ट टाइम है या फिर रेगुलर ट्रैक में नहीं जाते हैं, जिसे एडवेंचर का शौक नहीं है। अगर वो लोग करेंगे तो फिर थोड़ा हार्ड है उनके लिए वो पैच पर्टिकुलर, बाकी तो इजी है। और ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, हाँ कुछ नहीं है ऊपर। सिर्फ अगर आपको व्यू देखना है तो आप जा सकते हो। वहाँ से माथेरान दिखता है, लोनावाला दिखता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से दिखती है। लेकिन अभी फॉग था तो हमें कुछ दिखा नहीं, तो आपको भी नहीं दिखा पाए। और एक बात, अगर अपने साथ वाटर बॉटल कैरी कीजिए, पानी लेना जरूरी है, पानी लेके जाए आप। हाँ ओके। और नीचे आते टाइम तो हमें कुछ टाइम नहीं लगा, जल्दी से नीचे आ गए। और अब जाते हैं अपने बगीरा की ओर। यस। और पहुँचते हैं अपने होटल। कितने घंटे लगेंगे भाई? अभी एक घंटा, हाँ एक से डेढ़ घंटा। और गाड़ी से भी वहाँ पर जाने का एक घंटा लगेगा। वापस होटल पे जाने के लिए 2-2.5 घंटे लगेंगे हमको। तो फिर होटल पे जाने के बाद ही आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। बाय। हेलो गाइस, तो हम लोग रूम पे आ चुके थे, लेकिन बहुत थक गए थे तो आराम किया। और आराम करने के बाद फ्रेश हुए और हम पहले गए किनाराधर ढाबा में। कैसा था किनाराधर विलेज? हाँ वही वही, कैसा था? एकदम थर्ड क्लास था, ऑनेस्ट रिव्यू है ये। ऐसे नहीं कि भाई हम कोई भी बोल दे भाई यार बढ़िया खाना था, मस्त खाना था, आप आना एक बार। भाई बहुत बड़ी होटल है लेकिन खाना एकदम बकवास था भाई। लास्ट टाइम हम लोग वहीं पे खाना खाया था हम लोगों ने, आई थिंक 2015 या 16 में। मैं, अमन और 3 दोस्त थे, उन लोगों को भी आज तक वो टेस्ट याद है। इसी वजह से हम आज दोनों और 2 दोस्त को लेके गए। लेकिन भाई विजल इधर आ भाई, किनारा में खाना कैसा था? बकवास। तो भाई प्लीज, जिस दिन आपको बहुत भूख लगी हो और आप लोनावला में हो तो किनारा में मत जाना। और अभी हम हैं मैप्रो में, ये जो आप कभी महाबलेश्वर या कहीं पे गए होगे तो वहाँ आपने देखा होगा। तो हमने यहाँ पे खाया वो स्ट्रॉबेरी वाला जो फ्रेश उनका जो स्पेशल आइसक्रीम है वो खाया। वो कैसा था भाई? मैंने 400 रुपये का आइसक्रीम था, मैंने सिर्फ एक ही चम्मच खाया, फिर मैंने 400 रुपये का आइसक्रीम छोड़ दिया भाई, नहीं खाना मुझे ऐसे बोल। लेकिन भाई हम तीनों ने ख़त्म कर दिया क्योंकि 400 रुपये दिए भाई। आप सोच सकते हो 400 रुपये का आइसक्रीम को ऐसे ही छोड़ दे तो वो कैसा घटिया क्वालिटी का होता है। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे आओ लोनावाला में तो वही मत आना, यहाँ पर नहीं बढ़िया मिलता कुछ भी भाई। ये ऑनेस्ट रिव्यू है, ऐसा नहीं कि हम प्रमोट करते हैं और कुछ
बोलते भाई अच्छा है खाओ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा यहाँ से आपको। और आज तो सच में ही ऑनेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये सभी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, तो इससे अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू तो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो वो फेमस वाला वड़ा पाव खा लिया होता या बन समोसा खा लिया होता, तो वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत यार एक नंबर। तो फिर आज के ब्लॉग की यहीं पे से समाप्ति करते हैं, और कल हम जाने वाले हैं पुणे, तो फिर देखते हैं आप लोगों को क्या एक्सप्लोर करा पाते हैं वहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।